नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलील विजय पाटकर है। मैं अपोलो हॉस्पिटल्स में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर में। लंग कैंसर में कीमोथेरेपी छोड़ के जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बार मुझे आजकल पूछा जाता है, पेशेंट जब आते हैं तब कि कीमो करना नहीं है, कुछ डर रहता है कीमो से उनको, और बात भी सही है, कीमो के खुद अपने साइड इफेक्ट्स रहते हैं। खैर मैं ये तो बोलूंगा, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। पहले कुछ साधे एक 8-10 साल पहले कीमो ज्यादा टॉक्सिक रहता था। अभी हमारे पास साइंस जैसा डेवलप होते जा रहा है, कीमो उतना तो हानिकारक है नहीं। अभी अपने पास ऐसे तरकीब है जिससे उल्टी मलमल जितना कम हो सके हो सकता है, खून ज्यादा गिरता नहीं है। परंतु सच बोले तो भी कीमो के टॉक्सिसिटी तो है, कीमो के साइड इफेक्ट्स तो रहते हैं। और इसका एक कारण ये है कि कीमो ये एक ब्लैंकेट थेरेपी जैसी है। कीमो सिर्फ वो कैंसर के सेल को नहीं मारती, तो कीमो हर सेल को मारती है। यही कारण है कि कीमोथेरेपी में लोगों के बाल जाते हैं, यही कारण है कि लूज मोशन होते हैं, यही कारण है कि खून कम होता है, क्योंकि वो सिर्फ कैंसर के सेल को नहीं मार रही, तो वो जो सेल बाल बाल उगाती है वो सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, जो अपने पेट की लाइनिंग होती है उसको भी डैमेज करते हैं, इसलिए लूज मोशन डायरिया होते हैं, अपने खून के सेल्स पे भी एक्ट करते हैं, इसी कारण अपना हीमोग्लोबिन कम होता है, WBC काउंट कम होता है, प्लेटलेट कम होते हैं। तो कीमोथेरेपी ये एक ब्लैंकेट थेरेपी है, और दुर्भाग्य से ब्लैंकेट थेरेपी होने के कारण उसका डैमेज सिर्फ कैंसर सेल को नहीं होता, तो आजू बाजू के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी डैमेज होता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन मुझे हमेशा पूछा जाता है कि कोई और तरकीब नहीं है क्या, कि हम कीमोथेरेपी अवॉइड नहीं कर सकते? और इसका जवाब है, स्पेशली मैं लंग कैंसर की बात करने वाला हूँ, लंग कैंसर में डेफिनेटली टूडे आज के जमाने में हमारे पास दूसरे ऑप्शन है जिसमें हम कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। जब कभी कैंसर की बात आती है तो लोग पहले से डर जाते हैं, जो मैं समझ सकता हूँ। और स्पेशली अगर पूछा जाए कि कौन सा स्टेज है और बोला जाए कि अगर चौथा स्टेज में है तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं, लोगों उम्मीद छोड़ देते हैं कि चौथे स्टेज में तो कुछ हो नहीं सकता। और शायद ये बात कुछ साल पहले सच मानी जा सकती थी, लेकिन अभी बहुत कुछ बदल चुका है। स्पेशली लंग कैंसर में अभी चौथे स्टेज के कैंसर में हम काफी काफी जिंदगी लंबा कर सकते हैं, काफी काफी हद तक पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है, वो भी बिना कीमोथेरेपी के। तो इसी विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं दो चीजों के बारे में बोलना चाह रहा हूँ जो लंग कैंसर में बहुत रिसेंट डेवलपमेंट्स है, बहुत लेटेस्ट ट्रीटमेंट मानी जाती है, वो है मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो जब कोई कैंसर होता है, जब कोई सेल कैंसर की बन जाती है, तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सेल अपने आप डिवाइड करने लगती है, वो तेजी से डिवाइड करती है, उसका बाकी कोई नॉर्मल सेल से लेना देना रहता नहीं है। जो नॉर्मल सेल की लाइफ साइकिल होती है, सेल की लाइफ साइकिल रहती है, उसमें वो सेल को ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि अभी लाइफ साइकिल बंद कर देनी है। जब सेल का पूरा जो उसका काम है, जो उसका मकसद था, वो सेल का जब कंप्लीट हो जाता है तो वो सेल मर जाती है। कैंसर की सेल मरती नहीं है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहती है, और इसी कारण से कैंसर ग्रो होते रहते हैं और ट्यूमर बनता है और वो फैलता है। तो ये बढ़ने का कारण ये होता है कि कहां ना कहां अपने जीन में, कहां ना कहां डीएनए में कोई म्यूटेशन बोलते हैं उसको, म्यूटेशन आ जाता है, मतलब कोई तो ऐसा बदलाव आ जाता है अपने डीएनए में, सेल की जीन में, जहां सेल को ये सिग्नल मिलना बंद हो जाता है कि भाई अभी अपना ग्रोथ बंद कर देना है, अभी अपने को ग्रो होना नहीं है, अभी अपने को आगे और डेवलप नहीं होना है, अपना समय खत्म हो चुका है। तो वो सिग्नल्स मिलते नहीं है कोई जेनेटिक म्यूटेशन के कारण। और ये जेनेटिक म्यूटेशन जो है, इसी को अभी साइंस, इसी को अभी विज्ञान टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा समझो कि अगर ये कैंसर एक एक गाड़ी है, और ये गाड़ी जैसे अपने गाड़ी रास्ते पे चल रही है, और हम अपने को ये कैंसर की गाड़ी को रोकना है, तो इसकी दो तरकीब है। या तो हम कोई तो ऊपर से बॉम्ब फेंक सकते हैं जो जाके वो पूरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दे, और वो कैंसर को तो, या वो गाड़ी को तो रोक देगा, कैंसर की गाड़ी तो रुक जाएगी, परंतु उसका जो डैमेज होगा, वो मिसाइल का या जो बॉम्ब का जो डैमेज होगा, वो सिर्फ वो गाड़ी को तो नहीं मारेगा, वो रास्ते को भी डैमेज करेगा, वो बाजू बाजू में जो गाड़ियां हैं उसको भी डैमेज करेगा। तो कीमोथेरेपी इस हिसाब से हुआ। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उस गाड़ी को टारगेट ही ना करें, हम सिर्फ ड्राइवर को टारगेट करें, हम ड्राइवर को टारगेट करें। अगर ड्राइवर को हम इस इक्वेशन से निकाल देंगे तो गाड़ी तो काम करना बंद हो जाएगी। तो टारगेटेड थेरेपी इस तरीके से एक्ट करते हैं। ये समझो कि टारगेटेड थेरेपी, जिसको हम ड्राइवर म्यूटेशन बोलते हैं, द एक्चुअल टर्म फॉर दैट इज ड्राइवर म्यूटेशन। तो ये ड्राइवर म्यूटेशन जो है, ये ऐसी एक चीज है, ये ऐसा एक म्यूटेशन है जिसके कारण कैंसर ड्राइव हो रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कैंसर टू प्रोपोगेट। तो हम अगर ये ड्राइवर म्यूटेशन को टारगेट करते तो अपने को पूरी गाड़ी डैमेज नहीं करनी पड़ती, अपने को बाजू बाजू के एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना पड़ता, वो स्पेसिफिकली वो कैंसर सेल को मारती है। और इसी को हम मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं लंग कैंसर,
जो ड्राइवर म्यूटेशन यानी ऐसे म्यूटेशन जो कैंसर को ड्राइव कर रहे हैं उनको टारगेट करते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन रहते हैं EGFR नाम का एक म्यूटेशन, ALK नाम का एक म्यूटेशन और ROS नाम का एक म्यूटेशन। EGFR, ALK एंड ROS ये तीनों मिलकर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ द टारगेटेड म्यूटेशन इन लंग कैंसर। और जिनको इसमें से कोई एक म्यूटेशन पॉजिटिव आए इनको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। इन लोगों को हम प्योरली ओरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओरल ट्रीटमेंट एक गोली, सिर्फ महीने में सिर्फ गोली लेनी है, हर दिन एक गोली लेनी है और वो गोली पे हम कीमो से भी बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। अगर ड्राइवर म्यूटेशन पॉजिटिव हो तो हम इनकी जिंदगी जो कुछ महीनों तक हो सकती थी अगर ट्रीटमेंट नहीं करते वो हम कुछ महीने सालों में बदल सकते हैं। आई हैव पेशेंट्स जो ड्राइवर म्यूटेशन पॉजिटिव है जो अभी 5 और 6 साल तक जिंदा है। उनका एक ड्राइवर म्यूटेशन पे ट्रीटमेंट हो रहा था, फिर 2-3 साल बाद प्रोग्रेशन हो गया, हमने दूसरे एक ड्राइवर म्यूटेशन था उस पर चेंज कर दिया पेशेंट को। तो सिर्फ गोलियों पे बिना कीमोथेरेपी के हमने पेशेंट को 5 और 6 साल Stage 4 लंग कैंसर में वी मैनेज टू कीप देम अलाइव विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स। क्योंकि ये ड्राइवर म्यूटेशन है, ये सिर्फ ड्राइवर को एक्ट कर रहा है, गाड़ी को डैमेज नहीं कर रहा, तो इस कारण से ना बाल ज्यादा जाते हैं, ना लूज मोशन के ज्यादा इफेक्ट्स रहते हैं, ना खून ज्यादा कम होता है। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो कीमो के साथ होते हैं वो सब साइड इफेक्ट्स टारगेटेड थेरेपी के साथ झेलने नहीं पड़ते। एंड अपने को हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत नहीं है, एडमिट होके कीमोथेरेपी लगाना नहीं है, कोई सलाइन या आईवी लाइन से नहीं जाता है, जस्ट वन सिंगल टैबलेट। और उसमें से जो कॉमनस्ट म्यूटेशन है जो EGFR नाम का म्यूटेशन रहता है उसके लिए जो गोली है जेफिटिनिब वो काफी सस्ती गोली है, महीने का खर्चा तकरीबन 8-9 हज़ार का है, नॉट मोर देन दैट, एंड इट वर्क्स बेटर देन कीमो। पर ये लोगों को मालूम होना जरूरी है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि चौथा स्टेज का कैंसर सुनते ही लंग कैंसर बहुत बार पेशेंट आता ही नहीं है, और आते हैं तो ऐसे स्थिति में आ जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सांस चढ़ रहे, डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में आते हैं। और जब पूछता हूं मैं कि भाई इतना आपको तो तकरीबन 5-6 महीने से पता था कि लंग का कैंसर है तो आप ही क्यों आ रहे हो, तो बोलते कि नहीं सर वो तो चौथे स्टेज में है तो मालूम है, कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है। तो ये बदलना बहुत जरूरी है, ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत जरूरी है कि चौथा स्टेज का कैंसर इसका मतलब ये डेथ सेंटेंस नहीं हुआ, बहुत कुछ बदल चुका है, अभी पहले जैसा रहा नहीं। जैसे मैंने कहा कि 5 और 6 साल तक पेशेंट्स है जो अभी भी जिंदा है Stage 4 लंग कैंसर में, वो आर डूइंग फाइन जस्ट बिकॉज वी हैव टारगेटेड द राइट म्यूटेशन। तो ये हुआ म्यूटेशन के बारे में डिस्कशन। दूसरा है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज अ रिमार्केबल ब्रेक थ्रू जो लंग कैंसर में कोई कुछ चंद कैंसर है जिसमें इनमें हम डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ही यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक लंग कैंसर है, दूसरा मेलानोमा है, अभी रिनल कैंसर में भी इस्तेमाल होने लगा है। सो देयर आर ओनली फ्यू कैंसर जहां पे लागू होता है, स्पेशली इसमें से एक है लंग कैंसर। लंग कैंसर में अगर आप राइट कैंडिडेट हो तो आप कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हो, और अगर कोई ड्राइवर म्यूटेशन ना हो तो हमने को अगर ड्राइवर म्यूटेशन का ऑप्शन ना मिले तो अपने को इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन तो भी बचता है अगर अपना वो कैंडिडेट PD-L1 जो एक टाइप का मार्कर है इम्यूनोथेरेपी के लिए, अगर वो मार्कर अपना पॉजिटिव है, इट इज अ वेरी सिंपल, अपने जो बायोप्सी करते हैं उसी पे वो टेस्ट होता है, अगर वो मार्कर पॉजिटिव है तो हम इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी बहुत ही अलग तरीके से एक्ट करता है। जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कीमोथेरेपी जाके कैंसर सेल को मारता है और कैंसर सेल के साथ अनफॉर्चुनेटली बाकी नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज होता है जिसके कारण बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। टारगेटेड थेरेपी जो है वो कैंसर सेल को नहीं तो वो टारगेटेड म्यूटेशन को एक्ट करता है, तो स्पेसिफिकली जाके कैंसर सेल को मारता है, बहुत कम डैमेज होता है बाकी नॉर्मल सेल्स को। पर इम्यूनोथेरेपी जो है वो इम्यूनोथेरेपी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड नोवेल अप्रोच, वो जाके कैंसर सेल के ऊपर कोई एक्शन करता ही नहीं, वो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम को अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को रीबूट करता है, उसको रीप्रोग्राम करता है ताकि वो जाके वो कैंसर सेल को मारे। आखिर में कैंसर बढ़ता क्यों है अपने शरीर में, क्योंकि अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो उस कैंसर से लड़ना भूल चुकी रहती है। जैसे अपने को इन्फेक्शन होता है तो जनरली इन्फेक्शन बढ़ता क्यों नहीं है, मामूली सर्दी जुकाम हर पेशेंट में जाके हर पेशेंट आईसीयू में एडमिट क्यों नहीं होता, इसका कारण ये है क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम जाके अपने व्हाइट सेल्स रहते हैं उसमें, जिसको बी सेल और टी सेल बोलते हैं, ये जाके उस बैक्टीरिया से या इस वायरस से लड़ते हैं। सिमिलरली अपने इम्यून सिस्टम में वो क्षमता है कि वो जाके कैंसर से लड़ सकता है, परंतु ये कैंसर सेल्स जो रहते हैं उनमें कोई मैकेनिज्म्स रहते हैं जिससे वो ये एस्केप कर देते हैं, और इसी के कारण ये कैंसर बढ़ते जाता है पर अपना इम्यून सिस्टम कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि अपने इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये कैंसर सेल अपने शरीर का ही एक भाग है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको ओवरकम करने के लिए इम्यूनोथेरेपी आई हुई है, और ये इम्यूनोथेरेपी जो है ये बहुत ही नोवल अप्रोच है, ये पिछले कुछ 5-6 साल में ही डेवलप हुआ है, एंड इट इज टेकिंग द वर्ल्ड एंड टेकिंग द ऑन्कोलॉजी वर्ल्ड बाय स्टॉर्म।
इम्यूनोथेरेपी का मेन फायदा ये है कि जिन चंद लोगों में ये लागू होता है उनमें, जैसा मैंने बोला, मिनिमल साइड इफेक्ट्स, नो हेयर लॉस, नो वेट लॉस, नो मेजर इम्पैक्ट्स ऑन एपेटाइट, नो नोशिया, नो वॉमिटिंग्स, नो डायरियाज, नो फीब्राइल न्यूट्रोपिनिया, माने खून कभी ज्यादा कम नहीं होता, इन्फेक्शन जनरली होते नहीं है। पर ये सब छोड़ के इसका मेन फायदा ये है कि इम्यूनोथेरेपी जिन चंद लोगों में एक्ट करती है उनमें लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स ला सकती है। लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि कैंसर मिट जाता है और काफी काफी सालों तक मिटा हुआ रह सकता है यदि अपना आइडियल कैंडिडेट फॉर इम्यूनोथेरेपी हो तो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ ये कि जब कभी अपने डॉक्टर को मिलने जाओ, आपके कैंसर स्पेशलिस्ट को मिलने जाओ, दुर्भाग्य से कभी ऐसा अगर आपके आपके जीवन में मौका आए तो डेफिनेटली डिस्कस ऑल ऑप्शंस विद हिम, इंक्लूडिंग आस्किंग हिम कि कीमोथेरेपी छोड़ के इज देयर एनी अदर वे टू टारगेट द कैंसर। प्रोबेबली इफ यू आर अ लंग कैंसर पेशेंट स्पेशली, और इफ यू आर लव्ड वंस, एनीवन इज अनफॉर्चुनेटली सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, यू मस्ट नो व्हाट आर द ऑप्शंस बिसाइड कीमोथेरेपी, वेदर मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी इज एन ऑप्शन, वेदर इम्यूनोथेरेपी इज एन ऑप्शन। Thank you so much. If any queries, please get in touch.